स्ट्रेंथ को जाना, अपने वीकनेसेस को समझा, बहुत सारे लोगों से डिफरेंट डिफरेंट मीटअप्स किए। तो ये जो मेरा ईयर था बहुत अमेजिंग रहा, बहुत हैपनिंग रहा। अब मैंने इस 20th ईयर में अपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को जाना। तो आज मैं उसी को समाप्त करके आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी मेरे 11 लाइफ लेसन्स जो कि मैंने अपने 20s में सीखे हैं थ्रू माई एक्सपीरियंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके मैंने जाना कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें आगे इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सेम तरीके से आप भी जब होपफुली आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, जब भी और आप इनको समझेंगे अपने तरीके से कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर फर्दर थिंग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांति, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगी 11 लाइफ लेसन्स आपके साथ जो मैंने सीखे हैं अपने 20s में। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ओवरथिंकिंग सक्स। जब मैं 11th में थी मैं बहुत सारी चीज़ें सोचा करती थी कि मुझे आगे क्या करना है मेरी लाइफ में, आगे मुझे किस चीज़ में जाना है और लाइक कैसे जॉब लेनी है और आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। इवन आपके दिमाग में भी चलती होंगी जब आप 11th में होंगे, इवन 9th, 10th में होंगे या आप इससे अपने कॉलेज में होंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। सो हम लोग को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज एट लास्ट जो भी चीज़ आप कर रहे हो दैट विल हैपन, राइट। तो बहुत ज़्यादा सोचने से केवल ये होगा अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना दिमाग खराब करोगे, इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं होगा। सो ओवरथिंकिंग आपको किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, दैट आई लर्न। और जब मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवरथिंक करती थी मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था, अब जब मैंने उसको रिड्यूस कर दिया तो टाइम आज वेल सेव से और जो चीज़ें होती जा रही हैं लाइक गो ऑन विद द फ्लो वॉट एवर इज हैपनिंग। पॉइंट नंबर 2, माइंड सेट एक्चुअली इज वन थिंग जो कि आपको बहुत टेक केयर करना पड़ता है, इन द सेंस कि आपका जो माइंड सेट है उसी से आप बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हो। मैं इसे कहना क्या चाहती हूँ, मैंने ये सीखा कि जैसे कि अगर मैं ये कहती रहूँगी नहीं मैं बहुत प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, मैं प्रोकास्टिनेटिंग में चीज़ों को टाल दी, तो आप सही में उस चीज़ को करने लग जाओगे। और अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि नहीं मैं प्रोकास्टिनेट नहीं करूँगी, मैं अपने काम को टाइमली फिनिश करूँगी, आई फिनिश ऑल माई वर्क्स ऑन टाइम, सो आप यू विल फाइंड कि आप चीज़ों को एक टाइम पे एक सही टाइम पे फिनिश भी करने लग जाओगे। सो हमेशा अपना जो माइंड सेट है एक तो उसको पॉजिटिव रखिए, जितना पॉजिटिव रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी थिंकिंग अच्छी होती जाएगी और जितना आप नेगेटिव करोगे उतने ही आप नेगेटिव पर्सन बनते चले जाओगे। सो अपने माइंड सेट, आपका जो दिमाग, आपका जो चीज़ें सोचते हो ना, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। पॉइंट नंबर 3, हमारी लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस अपने कॉलेज स्टडीज को बैलेंस करना, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना और इवन आपके जो भी हॉबीज हैं उनके लिए टाइम फाइंड आउट करना। ऐसा हम लोग बहुत सुनते हैं लोगों से कि कीप हसलिंग, आप हसल करते रहो, एब्सोल्युटली सही चीज़ें आपको करना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे एक्सटेंड तक आप एक ही स्ट्रेस में 5 घंटे काम कर लोगे दैट विल लीड टू आपका लाइक यू विल नॉट बी अ दैट पर्सन, मतलब कि आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी फर्दर एट अ टाइम, आप उस चीज़ों से बोर हो जाओगे और दैट कैन इवन लीड टू सम डिस्ट्रैक्शन या इन सारी चीज़ों को। सो आप काम करिए, राइट, अपनी चीज़ों पर बहुत बैलेंस रखिए। जैसे कि मैं मुझे अपनी कॉलेज स्टडीज भी मैनेज करती हूँ, मैं अपनी जो भी वीडियो कॉन्टेंट क्रिएशन अपने 7 different कंपनीज का जो काम है उसको मैनेज करती हूँ, इवन अपनी फैमिली के लिए मेरे पास टाइम होता है और मेरी जो खुद की हॉबीज हैं या जो काम मुझे करना पसंद है मैं उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ। सो हर एक चीज़ में बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पॉइंट नंबर 4, फूड और होम इज बेस्ट। एक्चुअली अगर आप मुझसे 2 साल पहले या मुझसे 1 साल पहले मिलते तो आप मेरे मुझसे चीज़ें नहीं सुनते, बिकॉज आई एम अ फूड सॉर्ट ऑफ वेरी फूडी बॉय, मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है। बट इधर लास्ट 1 ईयर मैंने बहुत सारे मीटअप्स करे, बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे ट्रैवलिंग करे, तो उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज करी कि दैट इज रियली मिस द फूड ऑफ द होम। मुझे घर का खाना मैं रियली मिस करती हूँ, बाहर का खाना खा खा कर आई एम रियली गेटिंग वेरी बोर्ड। सो घर का खाना इज ऑलवेज द बेस्ट, बट जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। शायद बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बट रियली इट हैपेंस और मैंने उस चीज़ को सीखा एंड इवन आई एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर। नंबर 5, कीप एक्सपेरिमेंट। चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। जैसे कि आज भी मैंने ये सीखा कि आप जब भी चीज़ों को ना आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से करने की ट्राई करते हो, तो आप उससे और ज़्यादा आपको नई नई मेथड्स, नई नई चीज़ें आपको समझ में आती हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई लेक्चर डिलीवर करना होता है, मैं किसी को पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा उसमें ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ नई तरीके से उसको पढ़ाऊँ या कुछ ना कुछ नई चीज़ उसमें लेके आऊँ, ताकि मैं एक चीज़ पर एक जगह स्टेबल भी ना हो जाऊँ
और इवन मैं अलग अलग चीज़ों को और एक्सप्लोर कर पाऊँगी। यही सेम चीज़ मेरी वीडियो कंटेंट क्रिएशन के साथ होती है। मैं अपने चैनल में बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, कभी किसी तरीके की वीडियोज, कभी किसी तरीके की वीडियोज, राइट। इवन मेरे जो हॉबीज़ हैं उनमें भी मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि लेट्स डू दिस फॉर दिस टाइम या फिर इस टाइम पे इस चीज़ को कर देंगे। तो हमेशा आप अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट पे करते रहिए, एक जगह स्टेबल मत हो जाइए। दैट्स नॉट लाइक गुड, जो कि मैंने सीखा। पॉइंट नंबर 6, आप जितने भी पीपल हैं लाइक उसे वर्ड इन कॉलेज या जो भी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है 13, 14, 15 ईयर्स के जो किड्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग। जब मैं 18 की थी मैंने स्टार्ट किया था अपना ये फ्रीलांसिंग का करियर, अपना यूट्यूब चैनल, बट आजकल 13, 14, 15 ईयर्स के किड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अपने फ्रीलांसिंग करते हैं, वीडियो कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, ऑल द थिंग्स दे डू, राइट। बट वी शुड नो एग्जैक्टली कि जो अमाउंट दैट यू आर अर्निंग इसको आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, राइट, कहाँ पे आपको इसको इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर आपका फर्दर कोई स्टार्टअप करने का प्लान है तो आप उसके लिए कैसे इन्वेस्ट करो, आप उसके लिए कैसे अपना जो भी इनकम है उसको आप डिपॉजिट करो, राइट, अपना कैपिटल, हाउ यू इंक्रीज योर कैपिटल। सो इन सारी चीज़ों को आजकल के टीम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इवन यू शुड ऑल्सो डू द सेम। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने सीखा, कॉफ़ी इज़ अ बेस्ट। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, यू फील अ लिटिल लो, राइट, या आप थोड़ा सा बोर फील करने लग जाते हो उस काम से, आपको लगता है आपकी एनर्जी लेवल लो हो रही है, इन दैट केस आई टेक अ कॉफ़ी। आई नो इसमें कैफीन होता है, कंज्यूम एट एट अ लार्जर अमाउंट ये हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, बट इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको आई रियली गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कॉफ़ी। शायद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आपको कॉफ़ी पीने से एनर्जी मिलती होगी, अगर आप लो फील कर रहे होते हो तो आपकी एनर्जी एकदम से बूस्ट कर जाती होगी। दैट सेम हैपेंस विद मी, सो फॉर मी कॉफ़ी इज़ अ बेस्ट थिंग, जो कि मैंने लाइक आई हैव एक्सप्लोर दैट, मुझे ये चीज़ जानने को मिली इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू स्टार्ट टू लर्न टू से नो, मतलब आपको ना कहना सीखना होगा। ऐसे बहुत लाइक जनरली होता है कि मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि नहीं ये मेरा होमवर्क कर दो या मेरा एक काम कर दो, मेरा ये नोट्स लिख दो या ऐसा कुछ कर दो, सो जनरली हम लोग ना नहीं कह पाते उस काम को, एंड वी हैव टू डू। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी खुद की लॉस हो रही होती है, आपका टाइम लॉस हो रहा होता है, आपको शायद उस टाइम पर और कुछ करना हो, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ये सब चीज़ें भी लॉस है, लेकिन फिर भी हम लोग ना नहीं कह पाते। सो आपको जो काम नहीं करना है, आपको जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको जो काम लग रहा है कि मेरे सही नहीं है, आपको उसमें यू हैव टू से एग्जैक्टली नो कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, आई वोंट डू दिस थिंग। सो स्टार्ट टू लर्न टू से नो। मैंने ये सीखा कि मुझे जो काम नहीं करना है, मुझे जो चीज़ नहीं करनी है, मैं बहुत साफ उसमें बोल देती हूँ कि नहीं मुझे काम नहीं करना है। सो ये बहुत ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन आपने कोई काम ले लिया, अब आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है क्योंकि आपने उस काम को ले लिया है। इससे अच्छा है आपको नहीं मन लग रहा, आप बोल दो कि नहीं मुझे काम ही नहीं करना है। सो दैट थिंग आई लर्न अ मोमेंट। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट बिकॉज यू कांट। स्टार्टिंग में मैंने चैनल वगैरह अपना स्टार्ट किया था, आई थॉट कि नहीं मैं अपना चैनल बहुत अच्छे से परफेक्टली रन करूंगी, मैं वीडियो कॉन्टेंट क्रिएशन में परफेक्ट हो जाऊंगी, मैं लेक्चर डिलीवरी परफेक्ट हो जाऊंगी, बट मैंने ये सीखा कि आप परफेक्ट किसी काम में नहीं हो सकते। यू कैन बी गुड, यू कैन बी बेटर, यू कैन बी बेस्ट इन सारे कामों में, बट यू कांट बी परफेक्ट हर एक चीज़ में, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। सो अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, आई लर्न की आपको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बेस्ट वे में करना चाहिए जिसमें आप कर सकते हो, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप एकदम परफेक्ट हो गए हो इस काम में, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट, दैट आई लर्न इट। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 10, प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए, क्या मुझे काम पहले करना है, क्या काम मुझे बाद में करना है, क्या काम मुझे किस तरीके से करना है, इस चीज़ को प्रायोरिटी सेट करिए। मान लीजिए आपको दिन में 5 काम करने हैं, अब उन 5 काम में आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले मुझे ये वीडियो क्रिएट करना है, फिर मुझे ये सेशन लेना है, फिर मुझे ये पर्सन से बात करनी है, फिर मुझे ये यहाँ पे विजिट करना है। सो इस तरीके से आपको अपने काम में प्रायोरिटीज यू हैव टू सेट। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी काम को किसी भी टाइम पे करने लग जाओ, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये एक लॉस हो जाएगा कि जो काम आपको ज़रूरी था, जो आपको करना है, वो आपने नहीं किया, यू फॉरगॉट दैट, और लास्ट में दैट कैन लीड टू सम ऑफ योर, मतलब वो चीज़ आपके लिए फिर अच्छी नहीं होगी, राइट। तो हमेशा अपने काम को एक प्रायोरिटी से करिए कि मुझे पहले ये काम करना है कि पहले मुझे वो काम करना है। नंबर 11, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ को करो। लेकिन हम लोग हमेशा ये चीज़ मानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है,
लाइक दो चीजें होती है, एक चीज अच्छी होती है, एक चीज बुरी होती है। सो आपको ये खुद ही क्लासिफाई करना है कि आप ये काम करोगे तो ये काम आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आप ये काम करोगे तो ये काम आपके लिए खराब है कि खराब नहीं, दैट यू हैव टू थिंक इट। और उसके सिवा आप व्हाटएवर यू फील लाइक डू दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए यू आर, मैं जब थी आई रियलाइज कि मैं अपने 20s में हूँ, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन दैट सेम मैनर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दैट यू हैव टू फुलफिल, और अगर आप उन सब चीजों कर रहे हैं तो उसके साथ आप कुछ भी करिए, डजंट मैटर्स, बट दैट शुड बी अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ नेगेटिव वन। सो ये 11 चीजें आई लर्नड इन माय 20s जो कि जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया टू चेंज मी, टू चेंज द प्रीवियस शैम्बोली विच वॉज, एंड ये सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखी। सो होपफुली आप भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करिए, आपने अपने अर्ली एजेस में क्या सीखा है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।